Hey students, welcome back to our new English lecture. Today we are going to start with a grammar portion named adjective types and forms. Adjectives क्या होता है? जो हमें किसी की quality बताता है. ये एक describing word है. यानी वो सामने वाले की quality, अच्छाई, बुराई वो बताता है. Pronoun की या noun की. ठीक है? An adjective is a word that tells us something more about a noun. किसी noun के बारे में हमको ज़्यादा information देना या उसको अच्छे से describe करना या उसको अच्छे से बताना. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. और वो न्यू नाउन को एक मीनिंग ऐड कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग मैन, ग्रेटफुल टाइम, बिजी सिटी. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एडजेक्टिव है जो नाउन को क्या करता है? ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है. तो सबसे पहले कितने टाइप्स हैं ऑफ एडजेक्टिव्स की? तीन टाइप. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एंड थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो ये तीन एडजेक्टिव्स हैं. पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? दिस शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा. तो नाउन पता है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो ये वही बता रहा है कि जो क्वालिटी होती है वो सामने वाले पर्सन की, जगह की, एनिमल की, थिंग की क्वालिटी बताती है. क्या बताती है? क्वालिटी बताती है कि वो कैसा है. देखो, द प्रिंस वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन. तो प्रिंस कैसा था? उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है? कि वो स्ट्रॉन्ग था. मुंबई इज़ अ बिजी सिटी. मुंबई कैसी सिटी है? बिजी सिटी है. सिटी क्या हो गई? हमारा प्लेस हो गया. मैन हो गया. अब प्रिंस हमारा क्या हो गया? पर्सन हो गया. समझ में आ रहा है? तो वो उसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है. द फेरिशियस लायन स्टेड एट मी इन एंगर. फेरिशियस यानी गुस्से से भरा. तो वो उसकी क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है. समझ में आई बात? नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. अब ये बताता है कि ये जो नाउन है वो कितनी क्वांटिटी में है, वो कितने सारे, मतलब कितनी क्वांटिटी में है, यानी कितने सारा उसके अंदर क्वांटिटी है. जैसे दिस शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज डिस्क्राइब. कितनी ज़्यादा या कितना कम क्वांटिटी में वो डिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे शी डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क. आप लोग क्या बताए? उसने बिल्कुल भी दूध या मिल्क नहीं पी है. तो एनी क्या हो गया? हमारा क्वांटिटी हो गया, क्योंकि वो क्वांटिटी बता रहा है. शी वेस्टेड द होल डे वॉचिंग टीवी. उसने पूरा दिन टीवी देखते देखते वेस्ट कर दिया. तो होल क्या हो गया? उसका क्वांटिटी हो गई. समझ में आ रहा है? किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना. चिल्ड्रेन मस्ट गेट इनफ एक्सरसाइज डेली. इनफ क्या हो गया? हमारा क्वांटिटी हो गया. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमर एडजेक्टिव यानी नंबर्स बताता है. एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें स्पेसिफिकली नंबर जो है वो मेंशन किया रहता है. दिस शो हाउ मेनी थिंग्स और पर्सन्स आर मेंट और द ऑर्डर इन विच इट स्टैंड्स. दिस कैन बी डेफिनेट, थ्री, सेकेंड और इनडेफिनेट, फ्यू, सम, मैनी. यानी ये डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है. डेफिनेट यानी उसमें डायरेक्ट दिया रहता है कि वन पर्सन, टू पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. और इनडेफिनेट यानी हाउ मैनी, फ्यू, मैनी, एनी, जिसमें हमको क्वांटिटी या बराबर हमको नंबर किसी का नहीं पता होता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट. और डेफिनेट किसको बोलते हैं? जिसमें हमको नंबर्स पता होता है. देखिए, जैसे देखेंगे, देयर वर 10 मैंगोज इन द बास्केट. तो 10 क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. और कौन सा है? डेफिनेट, क्योंकि हमको 10 नंबर दिया हुआ है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन अ प्ले. फर्स्ट टाइम, ये भी डेफिनेट है कि उसने नंबर दिया हुआ है. यू विल बी टॉट मैनी थिंग्स इन द स्कूल. मैनी, अब कितनी थिंग्स? मैनी थिंग्स. तो इसमें हम लोगों को कुछ भी बताया गया नहीं है. तो ये क्या हो गया? इनडेफिनेट हो गया. देयर इज सम वाटर इज लेफ्ट इन द बकेट. तो ये क्या हो गई? सम क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया. सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस. तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया. देखो, ये डिफरेंस भी हो जाता है. अगर वाटर है, थिंग के आगे आ रहा है सम वाटर लेफ्ट इन द बकेट, यानी थोड़ा पानी बकेट में रह गया, तो ये क्वांटिटी बता रहा है पानी की. सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस. अब कुछ बच्चे आवाज़ कर रहे, तो ये नंबर बता रहे हैं. समझ में आ रहा है? दोनों जगह सेम सेम रहेगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना. तो चलो, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस. मैंने एट एडजेक्टिव्स मैंने आपको दे दिया है. बाकी के 7 एडजेक्टिव्स आपके होमवर्क रहेंगे. ठीक है? उसके बाद राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. मैंने 10 के दे दिया है. 10 आपके होमवर्क रहेंगे. ओके? उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स. मैंने कितने के दे दिए हैं आप लोगों को? 6-7 दे दिया है. और बाकी के 7 जो है वो आपके आंसर्स रहेंगे, क्वेश्चंस वो रहेंगे. क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा.
ठीक है, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। कभी कभी आप लोगों को पिक्चर्स आती नहीं है बरोबर, तो इसलिए मैं आपको सेंड कर दूँगी पिक्चर। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ओमिट है, इसको आपको नहीं देखना। ओके, थैंक यू।